हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में इंटरनेट प्रॉब्लम है तो इंटरनेट प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। जैसे जो हमारा इंटरनेट है हमारे फ़ोन में नहीं चलता है तो इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के जो आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो जो नेटवर्क की इंटरनेट की प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए आपको स्वाइप करना है और यहाँ से सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देख सकते हैं कि हमारे पास ये सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ से नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स पे जाना है। तो इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आप, सिंपली आपको यहाँ से नेटवर्क डाटा पे जाना है, यहाँ से ऑन ऑफ करके देख लेना मोबाइल डाटा को, इससे हमारा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इस तरीके से आप इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ से सॉल्व नहीं होगा तो इस पे जाना है, आपको यहाँ से नेटवर्क को ऑफ कर देना है। थोड़ी देर बाद नेटवर्क को इस तरीके से ऑन कर लेना है। तो इस तरीके से ऑन ऑफ करके भी नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर भी सॉल्व नहीं होती तो रोमिंग को ऑन कर लेना है। जैसे अगर आपकी फ़ोन की सिम है रोमिंग पर, तो रोमिंग को ऑन करके भी इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से नहीं होती फिर नेटवर्क टाइप पे जाना, जो भी आपका नेटवर्क टाइप है 4G 5G इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर भी सॉल्व नहीं तो फिर एक्सेस पॉइंट सेटिंग पे जाकर जो भी सेटिंग्स होती है नेट की उसको रीसेट कर देना है। रीसेट करती ही सेटिंग्स से रीसेट हो जाएगी और जो भी आपकी फ़ोन की इंटरनेट की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी और इंटरनेट हमारे फ़ोन में चलने लगेगा। तो इस तरीके से भी आप इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। और फिर भी सॉल्व नहीं हो पा रही तो सिंपली फिर आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं इंटरनेट प्रॉब्लम को। सिंपली आपको स्लाइड करना है और यहाँ से सिस्टम सेटिंग्स पर चले जाना है। जब आप सिस्टम सेटिंग्स पर चले जाते हैं, तो यहाँ से भी आप इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। जब यहाँ से आप रीसेट ऑप्शंस पे जाते हैं तो यहाँ से ऑल नेटवर्क डाटा रीसेट सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऑल सेटिंग्स को रीसेट कर पाएंगे। पासवर्ड डालना है और सर्च करती जो भी सेटिंग्स हमारे फ़ोन में रीसेट हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप फ़ोन के इंटरनेट की प्रॉब्लम को रीसेट कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन के सेटिंग्स का यूज़ करके। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। थैंक यू।